हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है और इस चैनल का गोल आपको पता ही होगा। और इस वीडियो में मैं रैंडम अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और ये सारी ज़रूरी एक्सेसरीज़ हैं जो मैंने टेलीस्कोप के लिए मंगाई हैं। और ये वीडियो आपके काम आने वाली है क्योंकि आप भी जानना चाहेंगे कि और हम क्या अपग्रेड कर सकते हैं अपने टेलीस्कोप में। तो पहला प्रोडक्ट है हमारे सामने स्टार पॉइंटर लेज़र। तो यह लेज़र नॉर्मल लेज़र से थोड़ा पावरफुल है और इसे मैं टेलीस्कोप पर लगाऊंगा। और इस लेज़र को मैं शो के लिए नहीं लगा रहा हूं, यह लेज़र विजुअल गाइडिंग के लिए काम आने वाली है। इस लेज़र को लगाने के बाद मुझे बार बार अपने रेड डॉट फाइंडर में झांकना नहीं पड़ेगा। यह लेज़र मुझे एक रफ आइडिया देगा कि इस वक्त मेरा टेलीस्कोप किस कॉन्स्टेलेशन की तरफ पॉइंट कर रहा है। लेकिन मैं इसे अपने ऑप्टिकल ट्यूब से अलाइन नहीं करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता मुझे लेज़र दिखे। ओके, तो हमारा अगला प्रोडक्ट है टेलीस्कोप एक्सटेंशन ट्यूब। तो इस ट्यूब का इस्तेमाल मल्टीपर्पज़ है, जैसे कि इसका इस्तेमाल से आप फिल्टर अटैच कर सकते हैं, DSLR को अटैच कर सकते हैं, आप टेलीस्कोप का फोकल लेंथ को बढ़ा सकते हैं, आप कोई और कैमरा भी जोड़ सकते हैं जैसे कि एस्ट्रो कैम, या चाहे तो आप इसके अंदर आईपीस भी लगा सकते हैं। तो ये है आईपीस माउंट होल्डर और ये वाला है टीरिंग। इस टीरिंग को आपको DSLR से जोड़ना पड़ता है। ओके, तो हमारा अगला बॉक्स थोड़ा यूनिक है और ये है इंटरवेलोमीटर फॉर DSLR। तो वैसे तो मैं अपने कैमरे को सॉफ्टवेयर से कंट्रोल करने वाला हूँ, लेकिन कई बार मेरा मन करता है कि खाली कैमरा लेके जाऊँ और एस्ट्रो फोटोग्राफी करूँ। सो इस इंटरवेलोमीटर की मदद से मैं कैमरे को ऑपरेट कर सकता हूँ उसे बिना छुए, और बल्क शूटिंग भी कर सकता हूँ, लॉन्ग एक्सपोजर एस्ट्रो फोटोग्राफी कर सकता हूँ। तो इंटरवेलोमीटर फोटोग्राफी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे चलाना आपको आना चाहिए। और हिंदी में मुझे इसका कोई ट्यूटोरियल नहीं दिखा है, तो मैं ट्यूटोरियल ज़रूर बनाऊँगा। और वैसे तो मार्केट में कई और सारे इंटरवेलोमीटर हैं और ये वाला इंटरवेलोमीटर मुझे 3500 रुपीज़ में मिला। ओके, तो अगला प्रोडक्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये है कंपास। तो ये कंपास भी मैंने अमेज़ॉन से मंगाया और ये पोलेक्स कंपनी का कंपास है और इस कंपनी का मेरे पास एक टेलीस्कोप भी है। तो इस कंपास का इस्तेमाल मैं पोलर अलाइनमेंट के लिए करने वाला हूँ और इस कंपास को मैंने इसलिए मंगाया क्योंकि इसमें मिरर लगा है। तो अगर आपके पास एक इक्वेटरल माउंट टेलीस्कोप है तो आपके पास एक कंपास होना ही चाहिए, चाहे वो मैनुअल हो या गो टू माउंट हो। तो कंपास का इस्तेमाल कैसे करते हैं पोलर अलाइनमेंट के लिए, ये हम आने वाली वीडियो में जानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वैसे ये इंपॉर्टेंट वीडियो तो नहीं थी, पर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना आपकी मर्जी है, आप फ्यूचर में भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।